मैक्सिमम मोड 8086 सिस्टम 8086 जब मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करता है पिन 33 से, पिन 33 मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मोड में वर्क करती है लॉजिक्स के थ्रू। इस मोड में जो हमारे स्टेटस सिग्नल होंगे S0, S1 और S2, ये कंट्रोल करेंगे हमारे डिवाइस को। ये स्टेटस होते हैं, इसके साथ एक एक्स्ट्रा चिप लगानी पड़ती है सर्किट में, जिसे बस कंट्रोल डिवाइस कहते हैं, जो कंट्रोल करती है हमारे सिग्नल को, स्टेटस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और मैक्सिमम मोड में हम एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसके जो कुछ डायग्राम है वो मिनिमम मोड की तरह ही है। पहले हम इसका स्टार्टिंग से देखते हैं। इसमें 2 और 3 लैच कनेक्टेड होंगी, इसमें डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, लैच होती हैं। ये क्या होती है, 2 या 3 लैच इसमें कनेक्ट की जाती हैं, जो कि होती है 74L S373, ये लैच नंबर है। साथ में देखिए, ये कनेक्ट होंगे हमारे 8086, क्योंकि 8086 के थ्रू ही ये क्या करेगा, मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा। 8086 जिससे मिनिमम और मैक्सिमम पिन कनेक्टेड होती है, पिन 33 पे। हम मैक्सिमम मोड के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो उसमें एड्रेसेस होते हैं A0 से A20 तक होते हैं, जिसमें AD0 से AD15 एड्रेस डाटा मल्टीप्लेक्स को शो करते हैं, और A16 टू A19 जो S3 और S6 के साथ स्टेटस को शो करते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले एक तो लैच इसमें कनेक्टेड होती है, नेक्स्ट होती है डाटा बफर्स, जिसे ट्रांसड्यूसर्स भी बोला जाता है। ये कनेक्ट होंगे हमारे 8086 सिस्टम के साथ। अब देखिए, थर्ड पार्ट इसका क्या है, ये फर्स्ट पार्ट लैच, सेकंड बफर 8086 के साथ जो कनेक्ट होगा, थर्ड है मेमोरी, मेमोरी और इनपुट आउटपुट भी होंगे, रैम होगी, रोम होगी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, जो कि हमारे लैच और डाटा बफर के साथ कनेक्ट होंगे। लैच क्या करेगी, एड्रेस को, जो एड्रेस पर्टिकुलर एड्रेस है उसे सेपरेट करेगी A0 से A15। डाटा बफर क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर से डाटा को सेपरेट करेगा। लैच और डाटा के बफर का इसीलिए यूज किया जाता है, जो डाटा बफर होते हैं वो ट्रांसड्यूसर ही होते हैं। अब ये जो रैम रोम और इनपुट आउटपुट है, ये CSO CSC, ये क्या, चिप सिलेक्ट इवन, ये जो सुफिक्सेस होते हैं ना ई और ओ, ये इवन और ओड को शो करते हैं, इवन एड्रेस ओड एड्रेस उसको शो करते हैं, यानी कि जो हमारी इवन और ओड एड्रेस मेमोरी बैंक होगा उसको शो करेंगे। ये शायद मिनिमम मोड में मैं बताना रह गया था। ये जो ओ और ई होते हैं, ये सुफिक्सेस होते हैं जो इवन और ओड से डिनोट करते हैं। CS चिप सिलेक्ट करता है, यानी इवन को करना है या ओड को करना है, रैम में भी और रोम में भी। रैम कनेक्टेड होता है रीड और राइट जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनके साथ, जिसे MRDC और MWTC से डिनोट किया जाता है। MRDC शो करता है मेमोरी रीड कमांड, और MWTC शो करता है मेमोरी राइट कमांड सिग्नल, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इनका यूज मेमोरी से रीड राइट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रोम, रोम में भी इवन और ओड एड्रेस अलग अलग होंगे चिप सिलेक्ट के लिए, और लेकिन ये सिर्फ MRDC मेमोरी रीड जो कमांड होगी उसके साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि रोम है ये, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी, इसको हम राइट नहीं कर सकते। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये IORC और IOWC के साथ कनेक्ट होंगे। IORC शो करता है इनपुट आउटपुट रीड कमांड, ये वाली, और ये शो करेगा इनपुट आउटपुट राइट कमांड को, और ये कनेक्टेड होंगे हमारे डाटा बफर्स और लैच के साथ। लैच क्या करेगी, एड्रेस को डीमल्टीप्लेक्स करेगी डाटा से, और डाटा बफर क्या करेगा, डाटा को एड्रेस से सेपरेट करेगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारे एड्रेस होंगे वो A0 से A19 होंगे, और यहाँ पे जो डाटा होगा वो D0 से D15 तक होंगे। ये तो हमने लैच बफर और रैम रोम पर
सिर्फ देखिए मिनिमम मोड जो ये जो थोड़ा सा सिस्टम है ये मिनिमम मोड मोड की तरह ही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप कमांड्स में देखें MRDC, MWTC और MRDC, IORC, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज सिस्टम सेम है। लेकिन अब मैक्सिमम मोड की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है इसकी जो सिलेक्टर लाइंस, जो स्टेटस लाइंस होती हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा सर्किट लगाया जाता है। ये भी मिनिमम मोड की तरह ही है, ये वाला चिप सिलेक्ट लॉजिक, जो इवन चिप सिलेक्ट रैम और चिप सिलेक्ट रैम, इवन चिप सिलेक्ट रोम और चिप सिलेक्ट रोम, और CS चिप सिलेक्ट इनपुट आउटपुट, इनको कंट्रोल करेगा। ये चिप सिलेक्ट होता है जो A0 के साथ और BHE बस हाई एनेबल के साथ चिप सिलेक्ट करता है, यानी कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है इसमें जो मैक्सिमम मोड में जो एक्स्ट्रा सर्किट होता है वो होता है बस कंट्रोल सर्किट, 8288, ये बस कंट्रोल सर्किट होता है। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम मोड में जो स्टेटस सिग्नल्स होंगे S0, S1 और S2, 8086 के साथ बस कंट्रोल सिग्नल साथ ये कनेक्टेड होंगे। तो ये तीनों मिलके फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ये हम पिन डायग्राम में कर चुके हैं, जो आउटपुट पे कनेक्ट होंगे मेमोरी रीड कमांड, मेमोरी राइट कमांड, इनपुट आउटपुट रीड कमांड, इनपुट आउटपुट राइट कमांड, ये जो कमांड्स हैं हमारे इसके साथ बस इसको कंट्रोल करेंगे। और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट इसके साथ कनेक्ट होती है। ये मेन जो हमारा है सिस्टम होता है जो मैक्सिमम मोड में, ये मेन पार्ट होता है जो हमारे स्टेटस सिस्टम जिसके साथ कनेक्ट होते हैं। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर से प्रोवाइड होती है वो स्टेटस लाइन के सिलेक्ट करने से होती है कि किस तरह का फंक्शन परफॉर्म होगा। ये हमने पिन डायग्राम में किया है कि ये तीनों आपस में कैसे वर्क करते हैं मिलके, 00001 किस तरह से हम उनको वर्क करवा सकते हैं। तो ये तो था हमारा बस कंट्रोल जो कि एक्स्ट्रा सर्किट इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और इसके साथ जो इंटरप्ट अनेबल पिन INT एक कनेक्ट किया गई है, ये वाली, ये करेगी जो इंटरप्ट आते हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट आते हैं उन्हें कंट्रोल करती है। ये टू इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पल्सिस को का यूज करती है और इंटरप्ट को कंट्रोल करती है, यानी जो डिवाइस में इंटरप्टिंग आती है, जो एक्सटर्नल प्रोग्राम आते हैं कि जो भी फंक्शन अगर हम कोई की प्रेस करते हैं तो इंटरप्ट होती है, अगर तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है अपने मेन फंक्शन को रोककर पहले इंटरप्ट देखता है, इस तरह से इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट उसे कंट्रोल करता है। ये तो हो गया हमारा जो हमारा सिस्टम था। देखिए इसमें कुछ पिंस रह गई हैं, सबसे पहले ALE। अब लैच को एड्रेस, जो हमारा लैच होती है उसको अनेबल करना पड़ता है, अनेबल किससे करते हैं, एड्रेस लैच अनेबल से, यानी ALE पिन हमारे जो है बस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जुड़ी होती है लैच के साथ, जो कि लैच को कंट्रोल करती है। जब ये हाई होती है तब शो करता है कि एड्रेस एड्रेस बसेस में है। नेक्स्ट है, ए नेक्स्ट पिन जो है वो है हमारी DEN, जो कि डाटा अनेबल होगी। ये पिन ये शो करेगी कि पर्टिकुलर डाटा, ये पिन डाटा अनेबल कर, देखिए जो सिग्नल्स होते हैं ना बस कंट्रोल के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो मिनिमम मोड में थे ये 8086 के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन अब बस कंट्रोल सर्किट के साथ कनेक्टेड है। DEN जो कि कनेक्टेड होगा डाटा बफर के साथ, और ये क्या शो करेगा कि डाटा जो है डाटा बसेज में प्रेजेंट है, डी मल्टीप्लेक्स में से जो एड्रेस डाटा में से डाटा है वो डाटा बसेज में प्रोवाइड है। नेक्स्ट है डाटा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, डाटा ट्रांसमीटर है रिसीवर जो कि डाटा बफर के साथ कनेक्ट होगा कि डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, ये क्या डाटा बफर के साथ ही कनेक्टेड होगा, जो डाटा से कनेक्ट रिलेटेड चीजें होती है वो डाटा बफर के साथ कनेक्टेड होती है, और जो लैच एड्रेस से रिलेटेड होती है वो लैच के साथ कनेक्टेड होती है, ये याद रखना। और एक नेक्स्ट सर्किट है हमारा जो सबसे मेन है वो है हमारे क्लॉक जनरेटर, क्लॉक जनरेटर जिसके साथ क्रिस्टल ओसिलेटर कनेक्टेड होता है। ये क्रिस्टल जो कि क्या है क्लॉक्स को जनरेट करता है, रीसेट करता है, रेडी करता है, पर्टिकुलर क्लॉक्स और ओसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। ये सिस्टम को टाइम रेफरेंस प्रोवाइड करेगा और सिंक्रोनाइज करेगा एक्सटर्नल सिग्नल को हमारे सिस्टम क्लॉक के साथ। ये काम होता है क्लॉक जनरेटर का जो कि 8284 होता है, और क्रिस्टल ओसिलेटर, ये जो हमारा पार्ट होता है ना ये क्रिस्टल ओसिलेटर होता है, क्रिस्टल ओसिलेटर
ये कनेक्ट होता है। और सबसे मेन देखिए एक चीज हमेशा है ना, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो बस कंट्रोल सिग्नल है मैक्सिमम मोड में, वो सारे जो ALEDEN और DTR ये सारे बस कंट्रोल के साथ कनेक्टेड होंगे, लेकिन मिनिमम मोड में ये 8086 के थ्रू कनेक्टेड होते हैं लैच और डाटा बफर के साथ। तो ये हमारा मैक्सिमम मोड। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।